नेताओं को भी, सब लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, सब लोगों ने शोक व्यक्त किया है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज देश के एक भारती जो है उसमें धाकड़ राजनीतिक की अपूर्णीय क्षति देश को हुई है। समाजवादी स्तंभ हमारे बीच में नहीं रहे। माननीय मुलायम सिंह जी एक मजबूत छत्रप थे, बड़े सफल राजनेता थे और एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आज पूरा देश इनके चले जाने से स्तब्ध है और दुखी है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक माननीय नेताजी इस धरती पर थे, अपने सरल स्वभाव से और अपने लोगों के प्रति प्रेम के वजह से हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में रहते थे और अभी भी वो रहेंगे। माननीय नेताजी का चला जाना देश और हिंदुस्तान और खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीतिज्ञों में बड़े पुरोधाओं का एक अंत है। उनके बराबर का कोई समाजवादी अब रहा नहीं, इसलिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, इसकी कभी भी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जी अश्विनी जी, आपको बता दें कि अलीगढ़ से होता हुआ काफिला मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर निकला है, जहां पे भारी संख्या में वहां पे सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने पुष्प वर्षा करके अपना शोक प्रकट किया, उनका अभिनंदन किया। और आपको कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसको प्रदेश की इस राजनीति में, जहां पे सपा के संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह थे और समाजवाद के एक युग का अंत, इसे हम कह सकते हैं? जी, जैसा मैंने कहा कि समाजवाद के एक स्तंभ थे समाजवादी पुरोधा में, अब कोई उनके बराबर के व्यक्तित्व का समाजवादी नहीं रहा और उसके हकदार हैं। आज लाखों कार्यकर्ता पूरित नेत्रों से उनका सम्मान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अभी कल तक देखिएगा लाखों की भीड़ उनके लिए जुड़ जाएगी। माननीय नेताजी एक बड़े आम कार्यकर्ता से भी जुड़े रहते थे और दलीय सीमाओं से बाहर भी उनका सम्मान है। और आज देखिए, देश के सभी दलों के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है और प्रदेश के अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्रियों ने और बड़े राजनेताओं ने भी संवेदना व्यक्त किया है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि वो कितने बड़े और कितने मिलनसार नेता थे, जो सब दलीय सीमाओं को तोड़कर सबके साथ उनके संबंध रहते थे। जी अश्विनी जी, जब भी वो सभा होती थी, उस सभा में जब भी मुलायम सिंह बोलते थे तो अपने कार्यकर्ताओं की बात भी सुनते थे, अपने पदाधिकारियों की बात भी सुनते थे, जनता की बात भी सुनते थे और उनसे उनके प्रश्न भी पूछते थे। जहाँ भी कोई भी समस्या होती थी उसका समाधान भी बताते थे। तो एक संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह एक बहुत अहम भूमिका निभाते थे प्रदेश के लिए, अपनी सपा समाजवाद के लिए। फिलहाल ये बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है। आपके पर्सनल अनुभव क्या रहे उनके साथ? देखिए, हमारा कोई बहुत व्यक्तिगत वो नहीं था, लेकिन मेरी दो मुलाकात उनसे थी और वो भी हवाई यात्रा में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और उस मुलाकात को मैं अपने इस जन्मता वो प्रदेश उन्होंने किया, मुझे अपने बगल में बैठाकर मेरा हालचाल पूछते रहे और जब अगली बार मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिले थे जहाज में मुझसे, तो मेरे पास जी वो स्नेह मुझे भूलता नहीं है। बाकी तो ऐसा बहुत से राजनेता मिलते हैं, हम लोगों से बहुत सी चीजें हैं, अगर उनका जो स्नेह उतने देर में एक घंटे दिल्ली लखनऊ की यात्रा में हमको मिला, वो मुझे कभी भूल नहीं सकता, वो स्नेह कभी भूल नहीं सकता मुझे। इसलिए आज मुझे लगता है कि जब कोई एक छोटे कार्यकर्ता के यहाँ कोई घटना होती थी समाजवादी पार्टी के, हमारे नेताजी वहां पहुंच जाते थे और उसको नाम से जानते थे। ये उनकी एक मतलब एक असाधारण छवि थी। जी 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 जी, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मुलायम सिंह जी नाम से जानते थे, ये बिल्कुल सही बात है। आप कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं इसको समाजवाद के लिए, इस समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? समाजवादी पार्टी में अब समाजवादी कोई रहा ही नहीं जी। माननीय नेताजी जब तक थे उसमें अब समाजवाद हट गया, समाजवादी जो पुरोधा समाजवादी पार्टी की नींव उन्होंने रखी और अब कहां, अब तो समाजवाद की जगह सारी चीजें बदल चुकी है। माननीय नेताजी उसके एक स्तंभ थे, उसके मुझे तो लगता है कि उस कड़ी की आखिरी व्यक्ति रहे होंगे जो समाजवाद के पुरोधा उत्तर प्रदेश में थे। बाकी मुझे तो नहीं दिखता कि कोई इतना बड़ा समाजवाद का कोई पुरोधा हो उत्तर प्रदेश में।
और खासकर समाजवादी पार्टी में। पूरे परिवार को साथ लेके चलने और प्रदेश की समाजवादी पार्टी के एक मुखिया संरक्षक रूप में उसको सजो कर रखने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, बड़ा जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो निभा रहे थे वो, जो कि आज उनके ऊपर से हट चुका है। अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें